बहुत दिन बाद खोला हूँ, फर्क पड़ा है, तो पढ़ना भी चाहिए और पड़ेगा भी। पांच तो कोई थीम चल रहा है एकदम एक जैसा का। एक तो सफेद कर दिया हूँ और इधर ये देखिए हवाई जहाज आ गया है, एक तो बहुत बड़ा एरोप्लेन है, इसको यही छोड़ देते हैं। खोलो 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 खोलो। हाँ हाँ मशीन खोल रही है, देखो अभी फिर पानी पूरी बेलेंगे ना बेटा। हाँ ये पटरा निकाल लेते हैं, तो फटाफट बेलना पड़ेगा भैया, और बहुत दिनों से दुकान भी नहीं लगाया हूँ, अब देखते हैं सेलिंग कैसी होगी आज। ये पन्नी को ना बेल के इसी में रख देते हैं अच्छी तरीके से। और दोस्तों क्या हाल चाल, समझते हैं, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बारिश तो नहीं हो रही है, पता नहीं कहाँ से पानी गिरा रहे हो। पानी बंद करवा दो भैया, तीन बार तो बोल चुका हूँ मैं, अब मैं जाके बंद तो करवा दिया हूँ अभी, और बोलते हैं नहाते हैं, अब बाल्टी में भर ले पाके बाद नहाओ। एक न एक चीज़ से परेशान है आदमी, कहा होता है। हाँ बताओ बच्चे क्या चाहिए, हैं तो अपडेट। अच्छा वाईफाई चाहिए कैसे गुल्ली, हैं नहीं। बहुत दिनों बाद ठेला देता हूँ ना, तो पूरा दाग वगैरह ना पूरा लग जाता है, तो ये छुड़ाने में ना, जैसे ये इसको छुड़ाने में काफ़ी ज़्यादा, मतलब छोटा छोटा चीज़ टाइम लग जाता है उसी में। यहाँ पे लगा दिया हूँ, वहाँ पे ना इसे लग गया था ताकि जो ढलान है ना, इसे इस कोने में एक छेदा है तो उसका पानी ना वहीं से पूरा निकल जाता है, इसलिए वहाँ पे लग गया था। अभी लगा लेते हैं दुकान, देर तो हो ही गया, 10 बज गया है मान लो, आज सोमवार भी है, देखते हैं कैसे बिक्री होती है आज। ये लाइट चालू है इसका, ये देखो ये जो है ना ये इस तरफ है, वहाँ पे मैं ले गया था ढलान में, तो वहाँ से मैं कर दिया तो भाई साफ हो गया अब, लेकिन दशहरा से पहले ना चमकाना पड़ गया एक नंबर, लाइट वगैरह बत्ती वगैरह सब लगा दूंगा इसमें। तो दोस्तों अभी मैं अपने ठेला सेट कर रहा था, और ये काउंटर तो अंदर में था, और ये देखिए फटा पोस्टर निकला हीरो, ये कांच पता नहीं कैसे टूट गया भाई, इसको भी मैं धोने जा रहा था, अब हो सकता है ये वाइब्रेट होके ये पूरा निकल जाए। एक परेशानी ख़त्म नहीं होती, दूसरी परेशानी रेडी रहती है, इसको अब चेंज करवाना पड़ेगा, दिन भर टाइम लगेगा, क्या लगेगा, फिर उसी दुकान में जाना पड़ेगा जिस दुकान में मैं जाता हूँ, वो बोलेगा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, टंकी तो उसी के पास है अभी भी मेरी। मौसम खुला हुआ है, मैं सोचा कि ना पानी पूरी खुली रहा था, लेकिन भाई अब खुली कर ले कैसे जाऊँ, अब ऐसे ही रखना पड़ेगा पन्नी में। अब बहुत दिन बाद दुकान लगा रहा हूँ, 5-6 दिन बाद, अब देखते हैं सेलिंग कैसे होगी, लोगों को पता चलेगा नहीं चलेगा अभी कि हाँ भैया राकेश भैया फुल्की वाले तो आ चुके हैं। तीन पन्नी ले जाएं, ये तो भाई इसका जुगाड़ है, इसको तो बंद कर दिया, टिक्की नहीं बनवाया हूँ, थोड़ी सी देर हो रही थी इसलिए, नहा धोवा लिया, खाना पीना खा लिया हूँ, प्याज कटवाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ दिक्कत होगी प्याज कटवाने में। ये पापड़ी है कि फूली हुई है ये पता नहीं, आधी पन्नी मेरे पापा क्यों रख दिए इसको, इसको अंदर ही डाल देता हूँ। तो पूरा सामान तो सेट हो गया है, बस ये है कुछ भूलूँ मत मैं, तेल हो गया, प्याज टमाटर जीरा धनिया काला नमक सफ़ेद रंग मिर्ची दोनों लकड़ी चम्मच चक्कू भी होगा, तो ये डब्बल वगैरह मसाला मीठी चटनी, लाइटर है। अभी बोनी कर लेता हूँ 15 रुपये का, पीछे जो अंकल जी है ना उनको देना है फुल्की, थोड़ा सा मटर डाल देता हूँ। देर हो ही गया आज, मान लो आज पहला दिन है दुकान लगाने का, बहुत दिनों बाद, सोमवार भी था, मसाला तो ज़्यादा हो गया यार, सोमवार भी था तो मस्त ठीक ठाक बिक्री हो जाएगा, लेकिन देर ही हो गया तो क्या ही करोगे आप। अभी पानी में धनिया पत्ती नहीं काटा हूँ, वही तक काटूँगा। गिलास भर गया भाई, बड़ा बड़ा दे दूँ, अरे लाल और सफ़ेद और करिया कहाँ है, ये लीजिए 12 पीस दे दिया हूँ।
लीजिए। तुरंत 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 खाएंगे ना, तो मसाला भरवाना लेते तुरंत खाते। तो दुकान ले आया हूँ और वहाँ पे सिर्फ किशन लगाया है और बाकी जो एक भैया लगाते हैं वो तो नहीं है, स्कूल को छुट्टी हो चुका होगा। और ये मंगौड़ी वाले साहब तो हैं इधर, और इधर ये देखिए हवाई जहाज आ गया है, एक ठो बहुत बड़ा एरोप्लेन है, इसको यहीं छोड़ देते हैं कि ले, इसको यहीं ले छोड़ देते हैं कि ले जाते हैं, छोड़ देते हैं यहीं पे। आज आपको यहीं पे सो गए काहे? अरे सो गए थे, ठीक है भैया चलो खोलता हूँ मैं भी। ये देखो यहाँ पे कहा बनवाए हो यार चौबे जी, आराम करने के लिए। नहीं कहा हवाई जहाज पूरा नहीं, मस्त सो रहे हैं देखे कहा यार, सही है। टिकिया बनवा के तो लाया नहीं था क्योंकि देर भी हो रहा था बहुत ज्यादा, तो अभी चाट बनाना है। अच्छा सात टिकिया बना लिया हूँ, पहले चाट बना दूँ उसके बाद फिर और टिकिया बना लूँगा। तिरपाल वगैरह बांध दिया भैया, गर्मी लग रही है बहुत तेज, थोड़ा मटन में पानी डालना पड़ेगा। टिकिया वगैरह सेक लिया था और सेकते जा रहा हूँ, घर से बनवा के तो लाया नहीं था, यहीं पे बनाते जा रहा हूँ, सिर्फ आलू मैश करवा के लाया था। बनाते रहता हूँ, उधर खिला दूंगा। क्या लगता है मिर्ची बना दूंगा इसमें, काली मिर्ची अगर इसको भी रेड वाला करते तो क्या तगड़ा दिखता, देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कोई पांच तो हो, कोई थीम चल रहा है एकदम एक जैसा का। एक तो सफेद कर दिया हूँ, मटर भी डाल लूं, जो जो डालना डाल दो, ऐसा का जो जो डालना डाल दे, मेरा
अंडा दुकान खोला हूँ आज, तो आज ना दुकानदारी थोड़ी स्लो ही है। थोड़ा सा आगे करना टैक्सी वाला भैया। ठीक, मिर्ची डाल दो भैया। तीन पनीर लाया था, ज़्यादा नहीं लाया था, और मटर तो मान लो उतना ही लाया था, दो ढाई किलो के आसपास तो बचा हुआ ही है। टिक्की जितना भी था पूरा बना लिया हूँ, थोड़ा मोड़ा आलू होगा ऊपर में भी। बहुत दिन बाद खोला हूँ, फ़र्क पड़ा है, और पड़ना भी चाहिए, और पड़ेगा भी। पानी पूरी तो भाई बचा हुआ है, लीजिए पी के यहीं रख दीजिएगा, और चाहिएगा तो बताइएगा ना। चल हूँ और दूँ, चाट खत्म हो गया, इसको निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों घर आ गया हूँ अभी, और ये देखो आधी पन्नी ना पानी पूरी बची गई, मार्केट था नहीं एकदम भी नहीं। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है डुगडुग? इसको मैं यहाँ पर देता हूँ अभी। कहाँ से बच्चे? बंदी है हती बिक्री, आज बिक्री हती कहीं नहीं थी बिक्री, सब जगह गणेश जी बैठे, या सरकारी छुट्टी है। जा रहा हूँ अभी बाजार, और उधर ही इन बच्चों लोग को भी छोड़ दूंगा घर साइड। चलो बच्चे लोग, ओ गिलहरी, ओ गिलहरी कैसे? अच्छा आप लोग कमेंट करिएगा आपको डुगडुग अच्छी लगती है कि ये अच्छी लगती है। कैसे बच्चे? नहीं नहीं अच्छी लगती। चलो 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 दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 9 बज गए, बाज़ार से मैं आ गया था, अभी ऊपर रूम में आया था, कुछ मेल वगैरह चेक कर रहा था, ऐसे ही जा रहा हूँ अभी खाना खाने के लिए। खाना खा लूँ, लैपटॉप तो ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चला जाएगा शायद, चालू है तो पंखा बंद कर दूँ, लाइट भी बंद ही कर देता हूँ। खाने बनी गोभी की सब्ज़ी, मेरे को पता है आज खाना खाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि भाई शरीर दर्द दे रहा है भाई, बहुत दिनों बाद ठेला गया हूँ। अगर सोचो मैं ठेला मतलब टेम्पू लेके गया था, अगर पहले क्या हुआ करता था, जब भी मैं गांव जाता था, जब हम लोग उस घर में रहते थे, जब भी मैं गांव जाता था, भले इधर भी रहें या उधर रहें ठीक, और मैं 10-15 दिन गैप मारने के बाद जब मैं ठेला ढकेलता था तो मेरे मसल्स जो है ना फट जाते थे, फिर मैं गोली खाता था उसके लिए, मतलब नस जो है ना खिंचा जाती थी, मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था। अभी ऐसे बॉडी पेन है, पूरे बॉडी में पेन है, और दिन भर खड़ा रहा वो काम किया उसी चक्कर में, टेम्पू था इसलिए बच गया। तो दोस्तों खाना पीना खा लिया, इसको बंद कर देता हूँ पहले, तो जा रहे हैं हम लोग अभी घूमने में, मेरे भाई एक जगह जगह आता भी है, पता नहीं कहाँ है अनिल, मुकेश के कौन मुकेश दोस्त है। चलो अब मामा के यहाँ भी जाएंगे थोड़ा देर। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया हूँ अभी, और जगराता भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये देखो यहाँ पे पंडाल वगैरह लग गया है पूरा, अभी आरती वगैरह हो चुकी है, बस खत्म हो चुकी है पूरी। उस दिन रक्षाबंधन वाला दिन आई थी ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ आपका वीडियो बनाता हूँ। नहीं आप रक्षाबंधन वाले दिन नहीं बोले, आप भाभी ऐसे कर देते हैं, लोग बोलेंगे कि जबरदस्ती बना देता है वीडियो का। जो नहीं यहाँ पे चढ़ने में, तो आप जानबूझ के ना गिर रहे थे। नहीं आप बोले ना, और भौजी ऐसे किए। ठीक है लगा, चलो खेलो, आरती वगैरह तो हो गया यहाँ पे। और ये देखो इतनी बड़ी मूर्ति बैठा है, हर साल छोटी ही बैठा है, मतलब ये फर्स्ट बार है कि इतनी बड़ी मूर्ति बैठाए हैं, और शायद लास्ट बार भी, अगले बार से फिर से छोटी बैठाएंगे। इस बार थोड़ा सा प्रोग्राम बड़ा किए थे इसलिए कंट्रीब्यूशन सारे लोग कर दिए। विकास भैया विकास भैया वहाँ फुल्की बेच रहे हैं, और यहाँ बोल रही है हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कहाँ गए आप लोग? 5,000 भीड़ अंदर ना है, अंदर है, और जब भागवत अरे स्कूटी चलाने नहीं आता है आपको? कौन बोलता है नहीं चलाने आता? मेरे भाई ने बता रहा है, वो बता रहे हैं, देखे नहीं किए हैं मेरे को चलाते। ए श्याम जी, इंसान के बीच से स्कूटी निकाल दी है। ए भौजी दे गाड़ी, जाना लेके आना, अकेले चला गया हो कोर्ट में कि निकालना मुश्किल हो जाता है, तो कैसे नहीं आता चलाने? नहीं तो जहाँ आसन में बैठते हैं बाबा जी। ए लड़ाई 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 नहीं, कछु नहीं है, फूफा यार, 5,000 के भीड़ में तो 5,000 इंसान निकल भी ना करेगा बाहर प्रसाद लेने के लिए। एक ग्लास पानी पिला भौजी को, पानी पिएगा? पानी नहीं, पानी हम पी लिए बर्फ वाला। आपको का देख रहे मैम, कछु नहीं है का यार, का खोज रहे हो? अभी सुबह हो चुकी है, चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा,
पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल बनाया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सॉरी यार, कल ना व्लॉग नहीं डाल पाया था मैं, मतलब हाँ कल ही डाला था कि ऊपर से ट्रेन में था, ट्रेन में फिर मैं सोते रहा, देर हो रही थी, सर में दर्द हो रहा था, फिर मैं नहीं बना पाया, क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।